दर्शकों का स्वागत है। आइए जानते हैं देश की राजनीति का क्या है हाल। कांग्रेस का षड्यंत्र हो सकता है पीएम मोदी पर इमरान खान का बयान। सीतारमन। रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमन ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान का बयान कांग्रेस का षड्यंत्र हो सकता है। उन्होंने कहा, कांग्रेस नेता यह कहते पाकिस्तान गए थे कि मोदी को हटाने के लिए हमें मदद करो। दरअसल इमरान ने कहा था कि बीजेपी के जीतने पर शांति वार्ता के अच्छे अवसर हो सकते हैं। आप देश के पीएम गुजरात के नहीं, सिर्फ गुजरात के लिए मुआवजे के ऐलान पर कमलनाथ। कई राज्यों में तूफान के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सिर्फ गुजरात के लिए मुआवजे के ऐलान पर। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा है, मोदी जी आप देश के प्रधानमंत्री हो ना कि गुजरात के। उन्होंने कहा, आपकी संवेदनाएं सिर्फ गुजरात तक सीमित है, यह आपकी पार्टी की सरकार नहीं है, लेकिन लोग यहाँ भी बसते हैं। तमिलनाडु में एएमएम के समर्थक से 1.48 करोड़ जब तमिलनाडु की धेनी में चुनाव आयोग और आयकर विभाग द्वारा मंगलवार रात की गई छापेमारी में टीटीवी दिनाकर की पार्टी एएमएम के समर्थन से 1.48 करोड़ नकदी जब्त की गई। बतौर पीटीआई छापेमारी के दौरान पुलिस व पार्टी समर्थकों ने समर्थकों के बीच बहस हुई और पुलिस ने हवा में गोलियां चलाई। आशंका है कि नगर मतदाताओं में बांटने के लिए था। तो देश की राजनीति में आज के लिए इतना ही। MNS न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से MNS हिंदी ऐप डाउनलोड करें और इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।